वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण तो फाइनली जे ने बीटेक का मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है लेफ्ट साइड डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करना तो so क्लिक करने के बाद पहला एंड दूसरा ही जीमेन से रिलेटेड रैंकिंग से रिलेटेड तुम्हारा नोटिफिकेशन है तो so ये पहला है फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जीमेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पे राइट साइड व्यू बटन होगा इस पे क्लिक करना तो तुमको पीडीएफ दिख जाएगा और सेकंड में है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका भी नाम दिया हुआ है तो इसको भी सेकंड वाला व्यू बटन पे क्लिक करना और नाम देख लेना तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस मेरिट लिस्ट में उसका नाम देख लेते हैं तो तुम यहाँ देख सकते हो सिर्फ तीन ही नाम है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड वो भी तुम देख सकते हो रिमार्क्स में लिखा हुआ है डेटा नॉट फाउंड इन जीम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिजल्ट और तीनों का सेम है मतलब देखने से रिमार्क्स देखने से तो यही लगता है इन्होंने जीमेन टू टू नहीं दिया था या फिर इन्होंने अपना डेटा गलत एंटर कर दिया होगा रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जीमेन से रिलेटेड तो ये तुम लोग देख लो अगर तुम लोग का जी मेन में नाम है तुम लोगों ने दिया था तो तुम लोग जैसे जैसी सीबी को मेल करो सो so तुम्हारे वो लोग नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कंसिडर करें और अब हम लोग बात करते हैं कि किसका किसका नाम मेरिट लिस्ट में आया है हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या बेसिक चीज तुम लोग को देखना है एक तो तुम अपना सी एम एल रैंक देखना ये स्टेट वाइज रैंक तुमको मिला है और उसके बाद तुम अपना कैटेगरी वाइज रैंक देखना जिस भी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो उस हिसाब से रैंक देख लेना और ये भी देख लेना अगर तुमने टी एफ डब्ल्यू के लिए अप्लाई किया था तुमको मिला कि नहीं मिला तो जो काउंसलिंग होगी वो तुम्हारे सीएमएल रैंक के बेसिस पे होगी और जो तुम्हारे कैटेगरी रैंक है उसके बेसिस पे होगी क्योंकि कैटेगरी के बेसिस पे सारा सीट मैट्रिक्स सारे कॉलेज का दिया गया है तो सीट मैट्रिक्स वाला अगर वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना जाके एंड कल से काउंसलिंग स्टार्ट है तो प्लीज ये सारा अपना डेटा देख लो और कल काउंसलिंग में अच्छे से अपना चॉइस फिल कर देना सबसे पहले बीआईटी को रखना फिर हजारीबाग वाले कॉलेज को रखना और उसके बाद पलामू और उसके बाद तुमका वाला कॉलेज एंड सो ऑन ठीक है एंड ब्रांच वाइज भी तुम लोग प्रेफरेंसेस अच्छे से चॉइस फिलिंग करा जैसे जो समय फिलिंग किया था ना वैसे ही यहाँ जैसे वाला पे भी फिलिंग करना अच्छे से कॉलेज को टॉप पे रखना उसके बाद ब्रांच वाइज अपना प्रेफरेंस रखना यहाँ पे मैं सिर्फ चार पांच पेज तुम लोग को स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ एंड यहाँ देख सकते हो टी एफ डब्ल्यू जो है सबसे पहले जो टी एफ डब्ल्यू मिला है वो है प्रियांशु को मिला है जनरल कैटेगरी से इसको टी एफ डब्ल्यू में एलिजिबल है ये फिर राहुल कुमार को भी टी एफ डब्ल्यू में मिला है ये पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट है उसके बाद बीसी टू में जो पहला टी एफ डब्ल्यू मिला है वो है रौनक कुमार एंड ये सारा रिजल्ट तुम लोग देख लो मेन है तुम्हारा सी एम एल रैंक और कैटेगरी रैंकिंग क्योंकि इसी के बेसिस से तुम पता कर सकते हो कि तुमको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है एंड uh, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर लेना मैं इस पीडीएफ uh, का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो तुम लोग इसका रिजल्ट देख सको अपना अपना नाम देख सको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में